हेलो फ्रेंड्स इजी टू हेल्दी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैं गुंजन आज फिर एक रेसिपी के साथ तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के डंडी के अचार जो बहुत ही टेस्टी बनता है तो ज़्यादातर इसे हम लोग फेंक देते हैं तो आज हम लोग इसके बहुत ही टेस्टी अचार बनाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने तीन गोभी के डंडी लिए हैं तो दो गोभी के डंडी को मैं पहले से काट रखी हूँ और एक अभी मैं काट कर आप सबको बताऊँगी कि इसे कैसे काटना है तो इसे बीस से कट कर देंगे और अगर ज़्यादा बड़े साइज़ के गोभी के डंडी हैं तो बस एक से डेढ़ इंच की दूरी पे इसका टुकड़ा बना लेना है और अगर इसके हार्ड पोर्शन है तो थोड़ा सा इसे इसके रेसे को निकाल दें या फिर पीलर की मदद से इसे छील लें यह बहुत ही टेस्टी बनता है तो यहाँ पे मैं सारे डंडी को इस तरह से काट लूँगी और ये जो इसका हार्ड पोर्शन सबसे नीचे वाला जो जड़ वाला रह जाता है उसे भी मैं छील कर काट लूँगी तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पे मैं कुकर में डाल के इसे पानी डालूँगी इसमें पानी इतना डालना है कि ये डंडी डूब जाए और दो से तीन सीटी लगा लेना है तो यहाँ पे मैंने दो सीटी लगा लिया है और देखिए ये सॉफ़्ट हो चुका है तो अब इसकी मसाले की तैयारी करते हैं बहुत ही कम मसाले में बहुत टेस्टी अचार बनकर रेडी हो जाता है तो यहाँ पे मैंने तीन टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है इसे सरसों के तेल में ही बनाएंगे क्योंकि अचार सरसों तेल में ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये पीली सरसों है जिसका मैंने पाउडर बना लिया है आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं पानी के साथ या फिर आप काली वाली सरसों या राई भी ले सकते हैं और मिर्च हाफ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर तीखा आप अपने अनुसार बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे और अब डालेंगे नमक यहाँ पे मैं सेंधा नमक ले रही हूँ आप चाहें तो नॉर्मल सा नमक ले सकते हैं नमक भी स्वाद के अनुसार ले सकते हैं मसाले मिक्स करने के बाद एक बार जरूर टेस्ट कर ले क्योंकि ये चटपटा रहता है तब ज्यादा अच्छा लगता है तो मसाले मिक्स हो गए हैं और अब मैं इसमें डंडी डालकर मिक्स कर दूंगी तो अब इसे मिक्स कर दे और इसे मिक्स करने के बाद एक दिन के लिए धूप में रख दे ये बहुत ही अच्छा खट्टा सा चटपटा बन जाता है और अगर तुरंत खाना है तो आप इसमें नींबू का रस या फिर वेनेगर डालकर भी बना सकते हैं इसके साथ लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे एक दिन के लिए धूप में ही रख कर बनाएँ क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है एकदम अंदर तक ये खट्टा खट्टा सा हो जाता है और बहुत ही जूसी हो जाता है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरी मिर्च को भी से कट करके मिला रही हूँ क्योंकि मिर्ची का भी टेस्ट इसके साथ बहुत अच्छा आता है और जिन लोगों को तीखा खाना हो मिर्ची खा सकते हैं अचार के साथ तो अब हमारा ये गोभी के डंडी का अचार बिल्कुल रेडी है तो ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट्स करके कि कैसा लगा थैंक यू बाय